जय हिंद भाइयों, मैं आपका अपना चीनू सैदपुर एक बार फिर आपके साथ। चीनू सैदपुर फिजिकल ट्रेनिंग फाउंडेशन मोदीनगर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारी बहुत वीडियो आ रही है, डेली वीडियो आ रही है और आपका सहयोग मिल रहा है। दोस्तों, पहले जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर ले, और जिसने वीडियो जो भी वीडियो नहीं देखी है पूरी वीडियो देखें। और दोस्तों, आपका सहयोग हमारा विश्वास बढ़ाता है, और सहयोग दे चैनल को, बहुत सहयोग दे। अब तक हमारी 2-3 वीडियो आई हैं, एक आई है नोकनी के लिए, एक आई है फ्लैट फिट के लिए, एक आई है बीम के लिए, और जो आज की वीडियो है वो वीडियो है रेस के बाद क्या खाएं। यहाँ से जाकर बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि रेस के बाद डाइट क्या ले, क्या डाइट लेनी चाहिए, उसकी वीडियो बनाएं। तो उसके लिए आज हमने वीडियो बनाई है, यहाँ से रेस के बाद क्या खाना चाहिए। आ जाओ दोस्तों, आप रनिंग करके जाएंगे तो घर पहुंचोगे, घर पहुंचने के बाद आप थोड़े से चने लेंगे, चने भिगो देने हैं, रात को भिगो देने हैं, और सुबह अंकुरित हो या ना हो, भीग जाने चाहिए, वो फूल जाने चाहिए पूरे, उसके बाद आप घर जाने के बाद खा सकते हो उन्हें। और ज़्यादा नहीं खाने, आपको थोड़े चने खाने हैं। उसके बाद आप दूध लीजिएगा 1/2 किलो, जिसका जैसा हिसाब है, हिसाब से अपने हिसाब से दूध लीजिएगा, 1/2 किलो, 1 किलो, जितना भी ले सकते हैं। उसमें आप 20 बादाम डालिए, रात को बादाम भेज दीजिए पानी में भिगोकर, रात को बादाम रख देने हैं, और सुबह दूध में डाल के, पीस के दूध में डाल के खाने हैं। और उसके बाद आपको दूध में ही डालने हैं मुनक्का दूध में डालिए, थोड़े से मुनक्का लीजिएगा और दूध में डालिएगा, और आप ये डाइट ले सकते हैं। और दोस्तों, ध्यान रखिए, दूध के साथ आप दलिया, गेहूं का दलिया बहुत ज़रूरी, जो पौष्टिक आहार जो सबसे मेन है वो है दलिया, आपको दलिया बनाकर खाना है, और ये दलिये में ही मिलाना है। दूध उबाल लीजिएगा, दूध में बादाम मुनक्का डालो, दलिये को आपको खाना है धीरे 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 धीरे, एकदम गर्म नहीं खाना है, ठंडा करके खाना है दलिये को। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूरे दिन में पानी पीना है, कम से कम 6 लीटर, जितना आप पानी पियोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, बॉडी रिलैक्स रहेगी, बॉडी स्ट्रेचबल रहेगी। और विटामिन ई के कैप्सूल, विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं यून 400, आप ले सकते हो विटामिन ई, मल्टी विटामिन ले सकते हो, और ओस्टो कैल्शियम, कैल्शियम की टैबलेट भी आप ले सकते हो। और ज़्यादा कुछ नहीं लेना है आपको, ये 2-3 चीज़ लेनी है। और आपको मैं बताऊँ बादाम कैसे लेने हैं, एक आता है पहलवान का बादाम, गुरबंदी बादाम नहीं लेना आपको, आपको लेना है कागजी बादाम, अमेरिकन बादाम जो बड़ा होता है, और ये छील के आपको खाना है, छील के उसमें डालना है दलिये में, और इसे आपको चबा के खाना, पीस के डालना चाहते हो पीस के डाल सकते हो, चबा के खाना चाहते हो चबा के खा सकते हो, पर प्योर पूरा आपको चबा के खाना है, एकदम चबा के खाना है, ऐसा नहीं। और आपको इसके बाद आधे घंटे, एक घंटे बाद, दलिये के 1 घंटे बाद आपको भाई साहब कुछ नहीं खाना है, ठीक है ना। आप ये चीज़ करके देखिए, 1 महीने में आप अपने आप इम्प्रूव बताओगे कि हमारी डाइट से हमारे सांस नहीं चढ़ रहा है, हमें सांस की कमी नहीं हो रही है। और एक बांस का मुरब्बा, एक मेन मुद्दा बांस का मुरब्बा, बांस का मतलब होता है बांस जो होता है, जो बांस कोलकाता तमिलनाडु वहाँ पर पाया जाता है, उसका मुरब्बा आपके लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद है, बांस का मुरब्बा आपके लिए फ़ायदेमंद है कि आपके फेफड़े बड़े होंगे, और जितने आपके फेफड़े बड़े होंगे उतना ही आपका अच्छा भगा जाएगा, सांस नहीं चढ़ेगा, सांस की जितनी भी प्रॉब्लम होगी बांस के मुरब्बे से दूर हो जाएगी। आप सभी ये चीज़ ले सकते हैं, डाइट फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, एकेडमी ज्वाइन करने के लिए 7534828142 मेरा मोबाइल नंबर है। दोस्तों, व्हाट्सअप मैसेज कर सकता है, आप कोई भी व्हाट्सअप मैसेज कर सकता है। दोस्तों, आपके लिए सब सुविधा मिलेगी, कुछ दिन बाद हम हॉस्टल की सुविधा भी करेंगे, और आपको हॉस्टल की सुविधा भी मिल सकती है, जैसे भी जिस हिसाब से भी मिलेगी आपको हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, आपका सहयोग हमारा विश्वास बढ़ाता है, आप अपना सहयोग देते रहें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें। जय हिंद। दोस्तों, आपको रनिंग के पहले कुछ नहीं खाना है, या तो एक सेब ले सकते हो आप, छोटा सेब, कुछ नहीं खाना है। सुबह उठो, गुनगुना पानी पियो, उसमें शहद डालो, थोड़ा सा शहद डालो, और जिससे आपकी इम्यूनिटी पावर बूस्ट होगी, और जितनी इम्यूनिटी पावर बूस्ट होगी आपकी उतना ही आपको अच्छा
रनिंग करने में अच्छा लगेगा और उतना ही पूरा दिन अच्छा जाएगा, दिनचर्या अच्छी रहेगी। दोस्तों अगर कोई शाम को रनिंग करता है तो शाम को खाना खाना है आपको 11 से 12 बजे के बीच में, नॉर्मल खाना खाना है। नॉर्मल खाना खाने का मतलब है दाल रोटी अपना यही मट्ठा दाल रोटी जो भी खाना है, और उसके बाद आपको शाम तक पानी पीना है, कुछ नहीं खाना है। नॉर्मल खाना खाने के बाद शाम को आप जूस भी ले सकते हैं, दूध भी ले सकते हैं, सादा दूध ले सकते हैं, अनार का अनार और पाइनएप्पल अनानास का मिक्स जूस ले सकते हैं, ये आप पी सकते हैं। दोस्तों कुछ दिन बाद हम हॉस्टल की सुविधा भी करेंगे और आपको हॉस्टल की सुविधा भी मिल सकती है, जैसे भी जिस हिसाब से भी मिलेगी आपको हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आपका सहयोग हमारा विश्वास बढ़ाता है, आप अपना सहयोग देते रहें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें। जय हिंद।